और भाई लोगों क्या चल रहा है? मेरी रखी है विंटर हॉलीडेज, मतलब 3 हफ्ते की छुट्टियाँ, और न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले आया मैं घूमने. सिटी का नाम है नागासाकी और यहाँ का टेम्परेचर रखा है खतरनाक 2 डिग्री और फील लाइक में है -3. खूब खतरनाक वाली ठंड रखी है. तो अभी घूमने आया हूँ और सबसे पहले ढूंढ रहा हूँ ऑनसेन. पहले ऑनसेन जाऊँगा, फिर थोड़ा लंच खाऊंगा और फिर और ज़्यादा घूमूंगा. तो दिखाता हूँ कैसा रहता है नागासाकी. अभी आया हूँ उनजेन पार्क में और यह है पहाड़ों के ऊपर और ऑनसेन है अभी गजब वाला. उसके अंदर घुसूंगा तो नहीं क्योंकि अभी होटल में चेक इन नहीं किया. होटल में चेक इन करने के बाद जाऊँगा ऑनसेन में. उबल रहा नीचे बिल्कुल, ये सारा सारा मस्त उबल रहा है और टेम्परेचर रखा है यहाँ पे तकरीबन 0 के आसपास और यहाँ पे उबल रहा है. वोल्केनो है, मतलब वोल्केनो नहीं, मतलब वोल्केनो से जो ऑनसेन बनता है वो है और मस्त बदबू मार रहा है भैंस में. यहाँ पे हूँ अभी मैं. लिखा ना यहाँ पे मैग्मा चैम्बर, ये लावा है और मैं पहाड़ों पे हूँ यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे ऑनसेन है तीनों और मैं सबसे ऊपर यहाँ पे. टेम्परेचर हो रखा है 0 के आसपास सर्दी में, लेकिन जमीन है भाई तसल्ली से तप रही है, जैसे कि ना खूब गर्म जमीन है, खूब जमीन गर्म जमीन है. 0 डिग्री में उबल रहा है भैंस की आंखें, देखो भाप कैसे निकल रही है, सारी भाप है, पानी उबल रहा है मस्त वाला और मस्त खतरनाक स्मेल है उसकी आंख. हाथ से आ रहा हूँ. हाँ हाथ से खुना पत्थर वत्थर सब हरे रखे हैं, मतलब धुएं उससे लावा की वजह से, मैग्मा की वजह से. स्मेल खतरनाक है यार. तो कुछ नहीं दिख रहा है इसका, इतनी धुंध, मतलब धुंध नहीं भाप बन रखी है ना, कुछ नहीं दिख रहा है इसके आंखें. सर्दी हो रखी है बढ़िया वाली. बाप में चश्मे वाला मिल जाता है. भाई साहब देखने में तो ऐसा लग रहा है फवारा हो, लेकिन वो पानी उबल रहा है. उबल रहा पानी भैंस क्या हुआ देखते. पहाड़ों के ऊपर भैंस क्या गजब है, जापान के नजारे. दिख रहा है वो मस्त उबल रहा पानी वहां पर. देखा थोड़ा बढ़िया से, हाँ देखा बढ़िया से पानी, देखो मस्त उबल रहा पानी. नीचे कितना गर्म होगा पानी, जैसे उबल ही रहा है यहाँ पे तो नीचे कितना खतरनाक गर्म होगा. लोकेशन तो कतई सुंदर है भाई, वो देख रहे ऊपर ऊपर था कैसे धुआं निकल रहा, सारा सारा धुआं नहीं है भाप है, भाप. उबलता हुआ पानी, आवाज आ रही होगी उबलने की ना, बॉइलिंग की.
बर्ड ब्रेक था मेरे वो आने को बर्ड ब्रेक मैंने को बिल्ली घूम रही है यहाँ पे मिलते हैं बॉयल्ड एग इंडिया में तो क्या हर जगह मिलते हैं ठेले वेले पे और यहाँ पे बॉयल्ड एग मिलते हैं जो इस उबलते हुए पानी के अंदर है उबला बॉयल करते हैं लेट्स फीड पिज़्ज़ा दो अच्छा बोल रहे हैं कि बहुत गर्म है फट्टा रखा है ना नीचे पानी बोल रहा है वही ऑनसेन वाला लावा की वजह से तो फट्टा गर्म हो रखा है इन सर्दियों में इसके यहाँ कितना गर्म लकड़ी में से भी भाई भाप निकल रही है गजब ही गर्म स्मोकिंग में ना तंबाकू सुत्ते रुकी है बोल रहे कि लकड़ी सिगरेट पी रही है अंडे खरीदे उबले हुए यहाँ पे ओनसेन में उबले हुए अंडे अपन तो इंडिया में तो नॉर्मल पानी उबालते हैं यहाँ मिले लावा वाले ओनसेन में उबले हुए अंडे कोई नाम बोले कि अरे भैंस की आँख करीबन 160 रुपए के दो अंडे 160 रुपए के दो अंडे उबले हुए तेरे महंगे अंडे खाए आज तक मैंने तो खाए नहीं भाई लेकिन आज पहली बार ट्राई करूँगा क्या टेस्ट रहता है ओनसेन का टेम्परेचर ज़ीरो नहीं है ज़ीरो से कम है -2 वैसे आ रहा है और फील लाइक में है -8 क्योंकि हवा चल रही है मस्त वाली इसके अंदर -8 हो रखा है -8 में पानी ऐसे उबल रहा है बढ़िया अंडे खा खटाए तमांगो ऑनसेन वाले अंडे तो की कोई तना नहीं आए थे इसमें डाला थोड़ा सा नमक भैया चटनी तो मिलने वाली और प्याज भी मिलने वाले अरे अरे हार्ड बॉयल नहीं है नॉर्मल है मतलब सॉफ्ट है पर कैसे मुझे सॉफ्ट वाले पसंद नहीं आते छिलते तो है छोटे सॉफ्ट वाले ये ड्रामा होता है मतलब सॉफ्ट बॉयल का अब आधा आधा टूट के निकल गया है ऐसी आँख इससे बढ़िया रहता है अपना हार्ड बॉयल रखो लेकिन उनको मतलब रो है दे ना तो इसमें रो ये रो पड़ा है ही नहीं इसमें मतलब पका नहीं है बिल्कुल भी कच्चा पड़ा अंदर से ना बोले 160 रुपए के अंडे ऐसे होते हैं ना
ना अपने इंडिया वाले बढ़िया चेड़ना है ये मिर्चा मिर्चा की रोया चटनी के साथ मिल जाते ना वो इंडिया वाले बढ़िया ही तो बेकार है क्या बढ़िया गरम और वो गरम मसाली हरा और रखा कल पत्थरों का ये हमें सल्फर सल्फर रहती है ना इसके अंदर शायद लावा के पानी के अंदर मैग्मा के पानी के अंदर तभी कलर चेंज आता है यहाँ पे लिखा है पानी को नहीं छूना पानी को नहीं छूना और बालकों को कौन समझाए हाँ मिच्छा की मोचे वही है उबलता हुआ पानी यहाँ पे बस रुक रखा थोड़ा सा जापान में ये वाले फ्री वाले ऑनसेन रहते हैं आप एक बार अपने जूते उतारो और पैर पर डाल के बैठ जाओ सिर्फ पैर डाल सकते हैं पानी होगा बढ़िया वाला गर्म हरिओ और ये बढ़िया है बस गर्म पानी कोई नहीं है अपन दोनों ही बैठे हैं बेवकूफ बस बढ़िया गर्म पानी -8 डिग्री में की सर्दी में 120 डिग्री पे बोलता हूँ पानी गंगा और उबलता पानी -8 की सर्दी में मतलब -8 डिग्री की सर्दी में जब भी ऐसे निकलना वहाँ से और थोड़ा ज़्यादा ही मिस मतलब ये धुआं अगर दिखा दो जब चल रहा है क्या कितना गर्म होगा ऐसे ढाके में निकल रहा है कितना गर्म होगा इसे फुट स्पा चलो चले इस ठंड के मौसम में पैरों के अंदर में भाई हवा चल रही है खतरनाक वाली पता ही गंगोर हवा चल रहा है गंगोर हवा बगल में समंदर और यहाँ पे ऑन से क्या बढ़िया नज़ारा है ऑन से नहीं और ऑन से सॉरी सॉरी समंदर की व्यवस्था खतरनाक हो रही है भाई हवा तो खतरनाक हो रखी है हवा बढ़िया गर्म सामने समंदर यहाँ पर गर्म पानी ऑनसेन का गर्म पानी इसके -8 रखे हैं -8 बढ़िया गर्म पानी पैरों की तो मसाज सी हो गई बैठ के ना वहाँ पे ये भी सारा गर्म पानी है नहीं मैग्मा वाला गर्म पानी बस भापुर रखी है इसकी बढ़िया है जापान इन चीज़ों में काफ़ी रिच है मतलब ऑनसेन में ना बहुत सारे ऑनसेन आते हैं हर जगह पे और सारे ऑलमोस्ट नेचुरल हैं बहुत घूम लिया इस जगह पे और चलता हूँ नई डेस्टिनेशन पे